आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का क्या कहता है चुनावी विश्लेषण, सभी 403 सीटों का आपको चुनावी विश्लेषण यहां पर पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, जिस पर कुछ बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। जहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बीजेपी को बड़ा झटका है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। सभी दिग्गज चुनावी मैदान में थे लेकिन बीजेपी सिमट चुकी है सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर, जहां 48 सीटों का दावा करने वाले मनोज तिवारी भी खामोश हो चुके हैं और बीजेपी को बड़ा झटका है। दिल्ली ही नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, यहां तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले चुनाव यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के सर्वे के अनुसार इन 403 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, इस पर जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है उसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का खाता दूसरी बार नहीं खुला है दिल्ली के अंदर, लेकिन क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर यूपी के लिए क्या कुछ बदलने वाले आंकड़े, आपको सभी पार्टियों का चुनावी विश्लेषण यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। यूपी के लिए कुछ पुराने आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2012 में जहाँ एससी यानी समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें हासिल की, अपने दम पर सरकार बनाई और 5 साल पूरी सरकार भी चली और यहाँ पर बीजेपी 80 सीटों पर सिमटी। लेकिन इसके विपरीत 2017 में आंकड़े पूरी तरह से पलट चुके थे और बीजेपी अपने दम पर यहाँ पर सरकार में वापसी करी। लेकिन कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर बात करें 2012 में जो यहाँ पर एससी की सरकार बनी, उसमें बड़ा मुद्दा था कि यहाँ पर 2012 में 68 मुस्लिम विधायक चुनकर आए और 2017 में सिर्फ 23 मुस्लिम विधायक यहाँ पर चुनकर आए। सीधे तौर पर बीजेपी को एक बहुत यहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और दो कांग्रेस के विधायक यानी कुल 23 विधायक यहाँ पर चुनकर आए। बीजेपी की तरफ से एक भी यहाँ पर मुस्लिम विधायक को नहीं चुना गया। लेकिन 2022 के इलेक्शन में क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं, यादव वोटर किसके पक्ष में जाते हैं? देखिए, एसपी के पक्ष में 75% यादव वोटर जो हैं एससी को सपोर्ट करते हैं। बीएसपी को सिर्फ 4%, बीजेपी को 14%, कांग्रेस के पक्ष में 5% यहां पर यादव वोटर सपोर्ट करते हैं। बड़ा फैसला होने वाला है यूपी के अंदर। यहाँ पर सीए का विरोध जो किया जा रहा है, तो संशोधन बिल के विरोध में जो लोग हैं वहां पर अगर बात करें तो यूपी के अंदर ये काफी माइनॉरिटी वोटर हो सकते हैं अगर वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं या एसपी के पक्ष में जाते हैं, निर्णायक साबित हो सकते हैं। देखिए, एसपी के पक्ष में 54% मुस्लिम वोटर एसपी को सपोर्ट करते हैं, बीएसपी को 14 है, तो बीजेपी सिर्फ 9% और सीए का जो विरोध किया गया है इसमें कहीं ना कहीं ये 9% जो वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस के पक्ष में 7% मुस्लिम वोटर्स यहां पर सपोर्ट करते हैं। सवर्ण वोटर्स किसके साथ हैं? एससी के साथ सिर्फ 12%, बीएससी के साथ 8%, बीजेपी को 55 यहां पर प्रतिशत सवर्ण वोटर्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस किस्से में 10% सवर्ण वोटर्स हैं। अन्य ओबीसी वोटर किसके साथ हैं उसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। देखिए, एससी के साथ 23%, बीएससी के साथ 20%, 34% वोटर्स उनको सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस किस्से में 10% वोटर्स जाते हैं। जाट वोटर किसके साथ, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, एसपी के साथ 7%, बीएससी के साथ 74% जाट जो वोटर्स हैं वो मायावती को सपोर्ट करते हैं। 8% तो कांग्रेस किस्से में 4% जाट वोटर सपोर्ट करते हैं। अन्य दलित वोटर किसके साथ है? देखिए, एसपी के साथ 16%, बीएससी के साथ 56%, बीजेपी के साथ 13, कांग्रेस के सिर्फ 4% अन्य दलित वोटर सपोर्ट करते हैं। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं किस इलाके में कितना दबदबा किस पार्टी का है। देखिए, पूर्वी यूपी के अगर आंकड़े आपको दिखा दें, एसपी को 35% यहां पर वोट जा सकते हैं, बीजेपी को 30%, 18% यहां पर बीएसपी के पक्ष में वोट जा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो बीजेपी 37, एसपी यहां पर 16 और बीएसपी को 12% वोट शेयर जा सकता है। अगर आपको मुख्यमंत्री की पहली पसंद जो आंकड़े बने हैं उसके आंकड़े आपको दिखा दें तो यहां पर अखिलेश यादव को 42% लोग यहां पर
मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद मानते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ 30% तो मायावती यहाँ पर 15, प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते हैं। काम किसका पसंद है, देखिए अखिलेश यादव 40 तो 35% योगी आदित्यनाथ, 19% मायावती जी के काम को पसंद करते हैं। रोजगार देने में कौन सबसे बेहतर साबित हुआ है, 23% मायावती, योगी आदित्यनाथ 25, तो 52% लोग अखिलेश यादव को एक अच्छा मानते हैं। युवाओं में सबसे लोकप्रिय कौन है, योगी आदित्यनाथ 48, 52% यहाँ पर अखिलेश यादव को लोग सपोर्ट करते हैं। कानून व्यवस्था में सबसे अच्छी सरकार किसकी रही है, 48% मायावती, 28% योगी आदित्यनाथ, 24% अखिलेश यादव को लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूपी कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए अगर बात की तो मुलायम सिंह जो हैं वो 3 बार यहाँ पर यूपी के सीएम बने, लेकिन एक भी बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पर राजनाथ सिंह की बात करें तो इन्होंने भी यहाँ पर सिर्फ 1 साल 131 दिन के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा मायावती 4 बार यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कार्यकाल एक भी बार उनका पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा अखिलेश यादव की अगर बात करें तो 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम बीजेपी के पक्ष में एक तरफा थे, लेकिन आने वाले चुनाव 2022 में किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, इस सर्वे सामने आ रहे हैं कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के। देखिए अगर बात की 2022 में अयोध्या मंदिर जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लोगों का मानना है ऐसा। और हाँ कहते हैं 44%, नहीं कहते हैं 54% लोग। जिस प्रकार से दिल्ली में यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, इसके बाद बीजेपी को नुकसान हुआ, और अब क्या दिल्ली के बाद यूपी, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार में भी इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गठबंधन सबसे बेस्ट कौन हो सकता है, एसपी बीएसपी 11% लोग मानते हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस और एसपी का जो गठबंधन है उसको 65% लोग मानते हैं। तय माना जा रहा है कि एसपी कांग्रेस 65% लोग मानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रियंका वाड्रा अगर जो है वो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस की तरफ से उतरती है तो कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस की तरफ से उतरती है तो फिर कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है। लेकिन 403 सीटों पर 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, लेकिन क्या आंकड़े बन सकते हैं वो भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। इससे पहले 2017 में जो चुनाव हुए थे किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी 312 सीटें आएगी, सभी एग्जिट पोल यहां पर फेल हो चुके थे, बड़े सर्वे जो थे वो सारे के सारे फेल हो चुके थे। तो ये यहां पर चुनावी विश्लेषण है, इनमें बढ़ोतरी या कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं 22 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। अगर बात करें मायावती जी के लिए 36 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, 170 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं और 150 सीटें एससी के पक्ष में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 11 सीटें यहां पर जा सकती हैं। तो अगर बात करें तो 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, यह आंकड़ा किसी भी बड़ी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहां पर बात करें तो अन्य की जो 15 सीटें ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये किसके पक्ष में जाती हैं। अगर बात करें तो यहां पर बीएसपी की तरफ से जो मायावती जी हैं वो बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं एक बार, अगर वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आती हैं तो फिर ये आंकड़ा बीजेपी पार कर सकती है। और आने वाले समय में किस प्रकार के नए आंकड़े बनेंगे, तो क्या यूपी में गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन होता है तो किस पार्टी के साथ किसका गठबंधन होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी काफी समय है, लेकिन चुनावी विश्लेषण है, आने वाले समय में आंकड़े और भी नए यहाँ पर सामने आएंगे। तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिले। और आपको क्या लगता है अब की बार यूपी में किसकी सरकार, क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बन पाएंगे या फिर यहां पर बीएसपी वापसी करेगी या फिर कांग्रेस की तरफ से कुछ नए चेहरे इस बार चुनावी मैदान में होंगे, उनको कितनी सीटें जा सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।